हेलो एवरीवन, मैं हूँ कविता और ये है और ये आपको आज चैप्टर रीड आउट करके दिखाएगी, हलीम चला चांद पर। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहेगी, अगर आप ये चीज़ बच्चों को बता दोगे तो बच्चा कोई भी रीड आउट कर पाएगा। पहले जब बच्चे को हम स्वर सिखाते हैं तो साथ साथ उसकी मात्रा भी सिखाए कि जो स्वर अ होता है वो क्या होता है, स्टैंडिंग लाइन, जो स्वर ई होता है वो छोटी ई की मात्रा। बच्चे को ये बता दें छोटी ई की मात्रा हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ लगती है और बड़ी मात्रा लॉन्ग साउंड हमारे राइट हैंड की तरफ लगती है। छोटा ऊ ये हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ, अब बड़ी साउंड आ गई हमारी राइट हैंड की तरफ। ए ए ओ औ अंग आ। अब बच्चे को डिफरेंस बता दिए कि जब छोटी ई आती है तो हमारा पेट जब हम बोलते हैं तो वो अंदर जाता है कि बाहर, अंदर। अब जो बड़ी साउंड आती है तो बाहर। ऐसे ही छोटे ऊ में पेट अंदर जाएगा और बड़े ऊ में बाहर। और ए जो एक है वो इंग्लिश के ए, और जो दो मात्रा आएंगी वो साउंड करेगा आई। और ओ एक स्टैंडिंग लाइन के साथ एक है वो ओ की साउंड करेगा, और एक लाइन के एक स्टैंडिंग लाइन के साथ दो है तो वो करेगा आऊ, ए और आऊ, जैसे कौआ में अंग और आहा। और उसके बाद बच्चा देखिए कितनी जल्दी, मैंने इस मेथड से लावू को पढ़ना सिखाया और लावू जल्दी ही पढ़ना सीख गई। चलो पढ़ो। हलीम ने एक दिन सोचा, चलो आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट को ए के को आकार, हा को आखा, को आखा न कारखाने, मको ए में गया और एक रॉकेट पर बैठ कर चल दको ई चल दिया। बच्चे को तोड़ना पड़ तोड़ते पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट चलते अंधकोए अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उस क को किसकी मात्रा है, उसको चांद तक का रास्ता पता नहीं था। थको ओ थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह छोटा ऊ खुश हो गया। चांद तक पर चांद पर हलीम को हको बड़ा ऊ खको ऊब खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़। भको किसकी मात्रा है, बड़ी ई। हाँ, भी बी लको ए ले कको छोटी ई की न, लेकिन वहा कोई पकोड़ा पेड़ यको आया जको अना जानवर नहीं थे। लको ओगा
लोग भी नहीं। हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है। चलो वापस घर लौटे। चले। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। ऐसे ही धीरे धीरे जब बच्चे को मात्राएं क्लियर हो जाती है वो रीड आउट करना स्टार्ट कर देता है। बाय बाय। बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।